हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं डी रॉक ओएस 3X माइकल जैक्सन वर्जन है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जिसका रिव्यू कर रहा हूँ वो है विदाउट गियर लॉक, ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी करा दी है, तो आपको उसका जो लिंक होगा ना वीडियो का, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से देख कर इसे इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन सबसे पहले तो हम इसे कर लेते हैं रिव्यू यहाँ पर। तो गाइज हम चलते हैं इसकी सेटिंग में, लेकिन उससे पहले आप वॉलपेपर की तो तारीफ कर दो कि कितना प्यारा जो है ना गन उठाई है और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया। तो थैंक यू सो मच फॉर डी रॉक ओएस टीम के आपने इतनी मेहनत करके हमें ये प्रोवाइड किया। तो अब यहाँ पर गाइज सबसे पहले तो हम चलेंगे सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद अब आइकन देख सकते हैं कि चेंज हो चुके हैं। अबाउट डी रॉक में जाना है और स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, टीम डी रॉक ओएस मेंटेनर आ गया, ठीक है। डी रॉक ओएस वर्जन माइकल जैक्सन वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 7.4.1 है, दैट्स नाइस। और कर्नल जो है मैं मैक्स वाला यूज़ करूँ इस पे, ठीक है, सेकंड टाइम, वो है 4.19.7, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन से लेकर आप सेवन जनरेशन तक जो है ना आपके सिस्टम लैपटॉप आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो मैसा है वो डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। तो ये तो होगी हमारी इसकी सेटिंग सारी। अब यहाँ पर गाइज देखिए हमारे पास आ जाता है डी रॉक की मैपर। गाइज ये गेम हेल्पर ही है, ठीक है, इसको और ज़्यादा बेहतर करके 360 जो रोटेशन होती थी ना, जो मूवमेंट पबजी मोबाइल की, फ्री फायर की, वो फिक्स करके हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप इजीली इसको यूज़ करके, और जो आपके पास ग्लिचेस आ रहे थे वो फिक्स हो गए हैं, तो अब आप यूज़ कर सकते हैं। आपने प्लस पे क्लिक करना है, कोई भी गेम सेलेक्ट कर लेनी, ओपन करना है, उसकी की मैपिंग आ जाएगी। अदरवाइज मैन्युअली मैंने बताया हुआ कि पबजी मोबाइल की कैसे आपने की मैपिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद अब करते हैं इसे क्लोज। अब आ जाता है गाइज हमारे पास यहाँ पर फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर गाइज वो है जहाँ पर आपकी विंडो की ड्राइव आ गई है, विंडो में से आपने कोई एप्लीकेशन लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, OBS या पबजी मोबाइल का APK या तो फ्री फायर का कुछ भी, ठीक है, तो आप लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको भी करेंगे क्लोज। अब आ जाता है गाइज हमारे पास डी रॉक ऑडियो। गाइज डी रॉक ऑडियो प्लगइन क्या है? गाइज ये देखें हमारे पास इंटरनल ऑडियो जो है ना गेम का वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ जो है इसके ऊपर ये इंटरनल ऑडियो जो है वो इनेबल है, तो इसको क्लिक करूंगा डिसेबल प्लगइन ब्रो, तो डिसेबल हो जाएगा, तो आप गेम की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपरली अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा, तो घबराना नहीं है आपने। तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद गाइज हमारे पास आ जाता है टेडरिंग 86। तो गाइज ये क्या है? ये आपकी जो होती है ना, सेटिंग में चलते हैं गाइज, इथरनेट। यहाँ पर जो इथरनेट है ना मेरा वर्क कर रहा है, अगर आपका वर्क नहीं कर रहा होगा ना तो आपके पास इशू आ रहा होगा, तो आपने बस इस पे आके क्लिक कर देना, ये जो लाइन बनी है ना इसके ऊपर, तो आपके पास फिर वर्क करना लग पड़ेगा। तो अभी हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब गाइज आ जाता है हमारे पास इसमें FX, ठीक है, तो FX को भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो ड्राइव है वो शो हो रही है या सिर्फ वो फाइल मैनेजर पे हो रही है। तो यहाँ पर नहीं हो रही, फाइल मैनेजर में हो रही है, अच्छी बात है कि हमें प्रोवाइड इन्होंने कर दिया। अब आ जाता है डी रॉक ओएस। तो ये इनका जो है ना स्टोर है जहाँ पर आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी जो है ना न्यू मिल जाएंगी कि इंस्टॉल कैसे करना है, फिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे जो है ना फीडबैक भेज सकते हैं, तो ये भी इजी है। उसके बाद आ गया हमारे पास गाइस परफॉर्मेंस ट्वीकर। परफॉर्मेंस ट्वीकर को आपने ओपन करना है और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आपने उसे मैक्सिमम कर देना है, ठीक है, और इसको भी ऊपर, और ये जो चेन गवर्नर है इसे परफॉर्मेंस कर देना है, और फिर आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आगे अप्लाई ऑन बूट पे आपने CPU पे टिक लगा देना और ओके कर देना और फिर क्लोज कर देना। अब परफॉर्मेंस स्पीकर की हमारे पास एप्लीकेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब AZ स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया गाइस यहाँ पर, तो ये रिकॉर्डर जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको सेटिंग करनी होगी अपने लैपटॉप के हिसाब से, तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप बिट रेट ऑटो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें देखिए रिकॉर्ड जो उनसे है ना ऑडियो इंटरनल फॉर एंड्रॉयड ये भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इनेबल है, तो आप इससे इंटरनल ऑडियो भी जो है गेम का रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, बस आपने ना घबराना नहीं है। तो इसको क्लोज करते हैं। तो अब गाइज आ जाती है हमारे पास YouTube। तो इस पे आपको YouTube की एप्लीकेशन भी मिली हुई है, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर ये सर्वर एरर आ रहा है, मतलब कि ये हमारे पास वर्क नहीं कर रही, ठीक है, तो इसे क्लोज करते हैं। और डी रॉक सेटिंग ये क्या चीज़ है? तो अप्लाई करते हैं, अलाउ करते हैं। गाइज ये हमारे पास स्टोर है डी रॉक का, जिधर से हम
कोई भी जो चीज़ें ना, जैसे कि जी एल टूल हो गया, गूगल क्रोम, अपने इस OS के लिए डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रेजोल्यूशन चेंजर प्रो भी है आपके पास इधर, मतलब हर चीज़ वो मिल जाएगी जो आपके OS को ऑप्टिमाइज करने के लिए या तो OS के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राइट साइड पे आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट भी करके आप हेल्प मांग सकते हैं, तो आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो डैट्स नाइस, डीरोक स्टोर जो है वो बहुत अच्छा है। अब आ जाता है हमारे पास जी एल टूल, जिसके बारे में आपको पता है। मैगिस आ गया है, जो आपको पता है कि रूट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर भी इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या न्यू होता है। तो ये कर एडिशनल, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं करते, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट पे क्लिक करते हैं, मॉडल्स जो उनसे हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। अभी नीचे लोडिंग हो रही है, ये देखें बहुत सारे हैं, आप इन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखें LS पोस्ट जो उनसे ये आया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के मुताबिक, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। अब आ गया गाइस एल स्पीड, तो एल स्पीड को ओपन करना है, उसके बाद इसे आपने ग्रांट कर देना है, ठीक है। एक बार ग्रांट इसको करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये जो है ना चल पड़ेगा। तो अभी गाइज मेरे पास रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, आपने बस इसको ग्रांट करके और उसके बाद चला देना है, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करते हैं, तो अभी ये नहीं होगा। तो आपने बस रूट इसे कर देना है और उसके बाद कर देना स्टार्ट। तो मैगिस में जाते हैं, यहाँ पर जाके देखते हैं कि रूट हुआ है कि नहीं हुआ। तो एल स्पीड को हम यहाँ से रूट कर देते हैं, ठीक है, ड्रैग यहाँ से ही, वहाँ से अगर नहीं हो रहा तो। उसके बाद आपने एल स्पीड को ओपन करना है और हमारे पास एल स्पीड चल गई है। तो राइट साइड पे मूव करेंगे, इसके एग्जांपल ट्वीक को सिलेक्ट करना है परफॉर्मेंस पे, अनदर एग्जांपल को भी परफॉर्मेंस पे, मोर एग्जांपल को टिक लगा देना है, फिर राइट पे मूव करना है और परफॉर्मेंस कर देना है, फिर दोबारा इधर राइट साइड पर मूव कर देना है और टिक लगा देना है और डिसमिस कर देना है। और ये न्यू वर्जन है गाइज, ये बहुत अच्छा है। इसकी जो है राइट साइड पे नीचे सेटिंग आती है, उसके बाद आपने सीपीयू ट्यूनर पे जाना है, यहाँ पर भी आपको सीपीयू ऑप्टिमाइजर जो है उसे आपने परफॉर्मेंस कर देना है। और यहाँ पर इनेबल हो गया, उसके बाद जीपीयू ट्यूनर पे आना है, तो जीपीयू ऑप्टिमाइजर को भी आपने परफॉर्मेंस पे कर देना है। उसके बाद आना है गाइज आपने आई और ट्वीक्स पे, ये परफॉर्मेंस है ऑलरेडी। रैम मैनेजर पे आना है, यहाँ पर गेमिंग है ऑलरेडी, सब कुछ जो सिलेक्ट है वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पर क्लीनर आ जाता है, क्लीनर पे आप डिफरेंट एप्लीकेशन के कैशा जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। तो ये सारी सेटिंग है। उसके बाद ये जो है ना आपका सॉफ्ट रिबूट, रिबूट रिकवरी, मतलब कि आपके सिस्टम को चलाने के लिए। तो अब आपने गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली जाना है आपने ऊपर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डैशबोर्ड पे, और उसके बाद देखें आपकी सेटिंग सारी हो चुकी है। एल स्पीड को क्लोज कर देते हैं, अब यहाँ से इसकी सारी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद गाइस हमारे पास शेडे आ जाता है, तो ये क्या है, इसको ओपन करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा, ये हमारे पास लॉन्चर होता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे इधर से डेस्कटॉप को करता है। प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, आपने इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है, अपनी आई डी लगा लेनी है, और उसके बाद आपके पास प्ले स्टोर भी सक्सेसफुली वर्क करना लग पड़ेगा। तो अब गाइज यहाँ पर सारा हमारा जो ट्यूटोरियल है ना वो ख़त्म होता है, जो आप लोगों को मैंने बताना था। तो अभी डी रोक ऑडियो जो है ना, इसका मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि इंटरनल ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं इस OS के अंदर, और प्रॉपरली आप लोगों को समझाऊंगा। तो और कोई आप लोगों को बात पता करनी हो तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना है फीडबैक के। तो गाइज लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।